राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण पांचवी बार पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलवीर सिंह ने पैरवी की। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आज की सुनवाई में शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा की जगह ई फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। कोर्ट ने इस पर एतराज जताया और कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज़्यादा स्मार्ट है, पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। कोर्ट ने पतंजलि पर समय पर कार्रवाई न करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी फटकारा। साथ ही आईएमए प्रमुख के एक दिन पहले दिए इंटरव्यू को रिकॉर्ड में लेने को कहा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।